सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई डॉक्टर सोनू सिंह जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप जैसे विद्वजनों से मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, बात कर सकूँ। जिस विषय पर मुझे चर्चा करनी है आपसे, वो विषय है कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स, सहकारी अधिगम की विधियाँ। हम लोगों में से लगभग सब लोग जिस व्यवस्था से पढ़ के निकले हैं, वो व्यवस्था हमारे लिए कंपटीशन के मौके देती थी। पढ़ाई लिखाई के समय में क्लास में हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से कंपीट करता है, और वो कंपीट इसलिए करता है कि वो ये सिद्ध करे कि वो उससे बेहतर है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम कंपीट कर रहे होते हैं तो कंपीट करने में कहीं न कहीं नकारात्मकता शामिल होती है, छिपी होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में जब शोध प्रारंभ हुए, इनसाइट्स डेवलप होनी शुरू हुई, तो कुछ लोगों ने पाया कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के विद्यार्थियों के तीन तरीके होते हैं। जब वो सीखते हैं, मतलब सीखने के लिए जब वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे, जब सीखने के लिए वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सीखने के लिए एक दूसरे से जब व्यवहार करते हैं, तो कुल तीन तरीके होते हैं। पहला वही कंपटीशन, वो एक दूसरे से कंपीट कर सकते हैं कि कौन बेस्ट है इसके लिए। दूसरा जो हम तरीका जानते हैं आज की तारीख में, वो होता है इंडिविजुअल लर्निंग का, मतलब व्यक्तिगत, जैसे हम लोग कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में या आपके वर्चुअल लर्निंग में, जब जहाँ पे हम सिंगल हैंडेडली हम ही हम होते हैं सीखने के लिए, कोई दूसरा नहीं होता, ना हमने किसी से कम्पीट करना है, ना हमें कुछ दूसरे से मतलब है, वो सिस्टम होता है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। और तीसरा तरीका जो कदरन थोड़ा नया तरीका है, वो है सहकार का, कोऑपरेशन का। इसमें बच्चे एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के सीखने में सहायता करते हैं। ये हम जानते हैं कि आज के वक्त में हमारे क्लासरूम्स में, हमारे स्कूल्स में जो तरीका पॉपुलर है, जो चल रहा है, वो कंपटीशन का चल रहा है। पर यह भी हमने जाना है पिछले करीब 30-35 वर्षों के शोध के अनुभव के आधार पर कि सहकारी अधिगम लगभग हर दृष्टि से इस कंपटीटिव सेटअप से, इस प्रतिस्पर्धा के माहौल से बेहतर होता है। अब ये क्यों है, ये इसको क्यों किया गया, मैंने थोड़ा सा आपसे बात की उसी को थोड़ा और बात करें। एक्चुअली ये एक अल्टरनेटिव है, ये एक जिसे कहेंगे कि एक उसका ऑप्शन है कि आप जो है कंपटीटिव क्लासरूम की जगह पे आप कोऑपरेटिव क्लासरूम या कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। ये एक मेथड है जिसमें हम विद्यार्थियों के कोऑपरेशन की मदद से लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं, विद्यार्थियों की कोऑपरेशन की मदद से उनकी लर्निंग को हम बढ़ाते हैं। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को यूज करने की, इसमें बेसिक चीज है बच्चों के ग्रुप्स बनाना, बच्चों के समूह बनाना, बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करना, ये कोऑपरेटिव लर्निंग का मूल है। अब ये जो है कोऑपरेटिव लर्निंग को और थोड़ा बेहतर समझने को, इट इज ए लर्निंग प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स लर्न इन ए स्मॉल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। जो बात मैं वही कह रहा था कि छोटे समूहों में एक दूसरे की सहायता से सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको हम सहकारी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग के तौर पर जानते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बात आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको और स्पष्टता इस विषय में होती जाएगी। अगर हम परिभाषा की बात करें तो ढेरों परिभाषाएं हैं, एक्चुअली काफ़ी काम हो रखा है पिछले 40-45 सालों में। उस काम में आप बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने, सभी ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग इस क्षेत्र में माने जाते हैं, सहकारी अधिगम के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव लर्निंग के क्षेत्र में, उनमें से एक जॉनसन्स एट आल हैं, वो तीन लोग हैं, जॉनसन्स दो भाई और एक बहन संभवतः,
जितना मैं समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ, वो उन लोगों ने भी परिभाषित किया है। 1991 की एक उनकी परिभाषा है जो कहती है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल टूल इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू इंक्रीज इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप मेंबर लर्निंग। मतलब इसमें व्यक्तिगत शिक्षण और साथ साथ समूह का शिक्षण, व्यक्तिगत सीखना साथ साथ समूह का सीखना दोनों होता है। ये ऐसा एक एजुकेशनल टूल है, एक ऐसा एक शैक्षिक संयंत्र यंत्र माध्यम विधि कुछ भी कह ले आप, वो है। कोऑपरेटिव लर्निंग एग्जिस्ट्स व्हेन स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव ज्वाइंट लर्निंग गोल्स। अब देखिए, अभी हम छोटे समूहों की बात करते हैं, अब यहाँ पे एक चीज और बढ़ गई, ज्वाइंट लर्निंग गोल्स। छोटे समूहों में बच्चे काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। कैसे लक्ष्य? शैक्षिक लक्ष्य, सामूहिक शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जब बच्चे छोटे समूहों में काम करते हैं तो ये सहकारी अधिगम होता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और परिभाषा जो मुझे अच्छी लगती है वो है स्लेविन की दी हुई है। स्लेविन का भी बहुत काम है इस क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स इन विच स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू हेल्प वन अनदर मास्टर एकेडमिक कंटेंट। भाषा का अंतर है, बात वही है। इसमें भी वही बात कही जा रही है कि जो विद्यार्थी हैं वो छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और इसलिए काम करते हैं कि जो एकेडमिक कंटेंट है उसे मास्टर कर सके, मतलब जो शैक्षिक शिक्षण वस्तु पाठ्य वस्तु है उस पर मास्टरी हासिल कर सकें, उसको सीख सकें। स्लेविन की एक मान्यता है, वो मानते हैं कि द गोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू असिस्ट वन अनदर टू मैक्सिमाइज लर्निंग। उनका कहना है कि कोऑपरेटिव लर्निंग का मूल इस बात में निहित है कि सारे विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करें जिससे सीखना अधिकतम हो सके, ऑप्टिमम लेवल पर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की बात है वो सहकार के भावना के द्वारा प्राप्त किया जा सके, क्योंकि इंडिविजुअल हर व्यक्ति की एक सीमा होती है। हम वैसे भी अगर देखें तो जब हम कोई काम करते हैं तो अकेले अकेले करेंगे तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब हम समूह में उस काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम को करने की हमारी सीमाएं बहुत आगे बढ़ जाती हैं, हम लांघ जाते हैं सीमाएं अपनी। तो जब हम सामूहिक काम में अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को लांघ जाते हैं, उनको क्रॉस कर जाते हैं, उनके आगे बढ़ जाते हैं, और तो निश्चित रूप से जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो अटेनमेंट्स होते हैं, वो और बेहतर हो जाते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि इसमें स्टूडेंट्स मस्ट वर्क टुगेदर टू कम्प्लीट ए प्रोजेक्ट और मास्टर मटेरियल एज ए ग्रुप। बच्चे जो हैं वो जो एकेडमिक कंटेंट को मास्टर करने की बात है वो एक प्रोजेक्ट के तौर पर या मटेरियल को मास्टर करने के तौर पर वो काम करते हैं, और इसमें एक कोलेबोरेटिव एटमॉस्फेयर डेवलप होता है, एक सहकार का वातावरण पैदा होता है। निश्चित बात है, जब एक दूसरे से सहकार करेंगे, एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तो उससे एक दूसरे से मित्रता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव जो भावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। कंपटीशन में हमारी नेगेटिव भावनाएं, हमें पता है इससे हमारा झगड़ा है, इससे हमारा कंपटीशन, झगड़ा इन द सेंस कि हमारा ये हमको कंफर्म पता है कि ये बच्चा है जो हमको टॉप की पोजीशन से नीचे धकेल सकता है, तो हम यहाँ तक दुआएं करने लगते हैं कि एग्जाम टाइम भगवान करे बीमार हो जाए। मतलब मैं उसकी नकारात्मकता को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो जो कंपटीटिव सेटअप है वहाँ पे नकारात्मकता है, जबकि सहकारी अधिगम में एक सकारात्मकता अपने आप निहित है कि उसमें बच्चा दूसरे की मदद करना चाहता है, दूसरे की मदद से खुश होना चाहता है। अब थोड़ी सी बात करें कि ये जो सहकारी अधिगम है ये कैसे तय हो कि ये सहकारी अधिगम है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं वो कुल मिलाकर के 6 हैं, और ये जॉनसन्स का जो समूह है उन्होंने दिया है, वो 6 विशेषताओं की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर ये 6 विशेषताएं किसी भी अधिगम विधि में हैं तो वो निश्चित रूप से सहकारी अधिगम की विधि है। अब वो 6 क्या क्या है, मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहली चीज जिसकी बात की जाती है वो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, धनात्मक परस्पर निर्भरता। अब ये धनात्मक परस्पर निर्भरता का मतलब ये है कि छोटा समूह, मैंने पहले ही कहा छोटा समूह का मतलब 4, 5 या 6 बच्चों का एक समूह, तो उस समूह में जो ये 4, 5 या 6 बच्चे होते हैं, ये बच्चे जो सामूहिक, मैंने पहले भी बताया कि जो ज्वाइंट लर्निंग गोल है,
जो सामूहिक लक्ष्य है सीखने का, उस सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। और यह निर्भरता सुनिश्चित करनी पड़ती है। जो विधि आप हम आगे और चर्चा करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग के जो मेथड्स हैं ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, पर हर एक मेथड में, हर एक विधि में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ये एक दूसरे पर निर्भरता जो है वो हो, बनी रहे। अगर वो नहीं है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता, तो निश्चित रूप से वो सहकारी अधिगम नहीं होगा, कुछ और ही होगा। तो एक तो पहली चीज है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कि एक दूसरे पर निर्भर रहे वो सीखने के लिए। दूसरा है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। अब इसको थोड़ा समझिएगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब वो एक दूसरे पर निर्भर तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके सीखेंगे। माने ऐसा नहीं है कि मेहनत एक करे और दूसरा जो है उस मेहनत का फल पाले, ऐसा नहीं। कई बार हम देखते हैं जैसे प्रोजेक्ट वगैरह जब हम क्लास में बच्चों को देते हैं, कई बार जब हम ग्रुप में क्लास में बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो हम सब ने इस बात का अनुभव किया है कि उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं वो दो तीन बच्चे मिलकर के प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं, और दो तीन बच्चे जो बेकार होते हैं वो उनका बनाए हुए का, बच्चे कई बार शिकायत भी करते हैं सर इन्होंने कोई मदद नहीं की, लेकिन हमको चूंकि ग्रुप्स में उनको एवेलुएट करना होता है, तो हम उनको भी ऐसा नहीं करते कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया उनको हम जो निकाल बाहर करें कि उनको हम जीरो कर दें एवेल्युएशन में, ऐसा हम कभी नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, बेनिफिट ले रहे हैं दूसरे की मेहनत का, इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। तो ये जो ओवरराइडिंग है ये सहकारी अधिगम में हमें हर तरीके से एक सुनिश्चित करनी होती है कि ओवरराइडिंग ना हो सके, ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे के कंधे पे चढ़ करके वो सीखने का बहाना कर ले, सीखे मत सीखने का बहाना कर ले। तो ये जो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी हमको ये सुनिश्चित करनी पड़ती है कि हर बच्चा अपने सीखने के लिए और समूह के सीखने के लिए उत्तरदायी हो, दोनों बातें, अपने सीखने के लिए भी और समूह के सीखने के लिए भी। जब हम सारी छह विशेषताओं की बात कर लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से कि ये कैसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है। फिर जो है वो है फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन की, आमने सामने एक दूसरे से सहकार में व्यवहार करना, इंटरेक्ट करना। अब ये मतलब कोई ग्रुप में असाइनमेंट जो देते हैं हम, तो वो इंटरेक्ट करना, निश्चित रूप से जब हम ऐसा असाइनमेंट देंगे कि जिसमें सबका आपस में जुड़ना, सबका आपस में बात करना जरूरी हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, थोड़ी सी बात आपके नज़र में डालना चाहूँगा कि ये जो तरीका है इसमें हम बच्चे के द्वारा स्वयं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, ज्ञान का, ज्ञान की रचना करने की बात करते हैं। तो ये जो ग्रुप असाइनमेंट्स हम इसमें देते हैं, दिस शुड बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द वर्क कैन नॉट बी सिंपली पार्सल्ड आउट एंड डन इंडिविजुअली। ऐसा हम सुनिश्चित करने की सदैव कोशिश करते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट दिया है वो कोई एक बच्चा ना कर सके, जब तक सारे लोग उसमें शामिल ना हो तब तक वो प्रोजेक्ट पूरा ही ना हो सके, वो कार्य पूरा ही ना हो सके, वो गोल अचीव ही ना हो सके, ये हमें करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन। और मतलब निश्चित बात है जब सबका करना हो, इसका मतलब सबको आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, सबको आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो वो प्रमोटिव इंटरेक्शन की बात हम करते हैं। फिर चौथी चीज़, जो चौथी विशेषता जिसकी हम इसमें बात करते हैं, जिसको हम इसमें सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, वो होती है कि अप्रोप्रिएट कोलेबरेटिव स्किल्स, माने जो उचित सहयोगी कौशल हैं, सहयोग करने के कौशल होते हैं, वो भी आप एक, हम लोगों की कई बार आप अगर ऑब्जर्व करें तो बहुत से लोगों में आपको दिखेगा कि वो इंडिविजुअल में काम करना पसंद करते हैं, वो समूह में काम करना ही पसंद नहीं करते। और जब समूह में काम करना पसंद नहीं करते तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि समूह में वो किसी दूसरे की सहायता ले सके। तो जब हम स्मॉल ग्रुप्स की बात करते हैं तो वो उनके लिए बड़ी एक चुनौती हो जाती है कि वो कैसे उस समूह में शामिल हों और कैसे उस समूह की मदद से सीखें। तो ये जो दिक्कत आती है इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सदैव ये सुनिश्चित करते हैं और ये एक तरीका इसका एक निर्धारित करते हैं कि जब भी हम कोऑपरेटिव लर्निंग अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, तो उससे पहले हम सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को कोलैबोरेटिव स्किल्स के बारे में थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा प्रशिक्षण हमें देना पड़ता है, उनको स्पष्ट करना पड़ता है कि कैसे कैसे करेंगे तो वो कोलैबोरेशन होगा। तो ये चौथा, पांचवी विशेषता सहकारी अधिगम की होती है, इसमें ग्रुप प्रोसेसिंग होती है। इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कम होती है, ग्रुप प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है। इंडिविजुअल प्रोसेसिंग बहुत थोड़े लेवल पर, ग्रुप प्रोसेसिंग बड़े स्तर पर। अब ये ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि सारे एक साथ बैठते हैं,
टीम मेंबर सेट अप ग्रुप गोल्स पीरियडिकली असेस वेदर दे आर डूइंग वेल एज ए टीम एंड आइडेंटिफाई चेंजेस दे विल मेक टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली इन द फ्यूचर. मीन्स कि वो लर्निंग गोल तो हम शुरू में उनको दे देते हैं, तो वो लर्निंग गोल के साथ जो ग्रुप गोल्स हैं उनको बीच बीच में उनका मूल्यांकन करते हैं कि वो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस सीमा तक आगे बढ़ पाए, किस सीमा तक उन्होंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है, और फिर वहीं से ये तय करते हैं कि हमको क्या परिवर्तन करने की जरूरत है जिससे हम ये गोल्स जो हैं और जल्दी और शीघ्रता से प्राप्त कर सकें. तो उसी के हिसाब से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वो गोल्स को प्राप्त कर सकें. तो ये जो प्रोसेसिंग है, ग्रुप प्रोसेसिंग, मतलब समूह में बैठ करके ये तय करना कि कहाँ पे अच्छा हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो ये निश्चित बात है कि जो समूह बना होता है वो अगर आपस में बैठ के बात करेगा, और निश्चित बात है वो प्रमोटिव इंटरेक्शन हम इसमें सुनिश्चित करते हैं, तो वो भी इसमें एक हमको शामिल करना पड़ता है कि ग्रुप होती रहे. और सबसे अंतिम छठी और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि हम शोध से हमने पता किया है कि ये ग्रुप्स जितने हेटरोजीनियस होंगे, जितने बहुआयामी होंगे, जितने विभिन्न क्षमता के बच्चों से मिलकर बने होंगे, उतने ये बेहतर होंगे, उतने ये इफेक्टिव होंगे, उतनी ही कोऑपरेटिव लर्निंग बेहतर होगी. तो इसको हम कहते हैं हेटरोजीनियस ग्रुप्स. तो हम जो ग्रुप्स निश्चित रूप से शिक्षक बनाता है, इसमें बच्चों का रोल कम होता है, शिक्षक का ही रोल महत्वपूर्ण होता है. तो जो शिक्षक कोऑपरेटिव लर्निंग लागू करता है वो प्रारंभ में ही कोई ना कोई ऐसी विधि, कोई ना कोई ऐसी तकनीक, कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है जिसकी मदद से वो भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को ही ग्रुप्स में शामिल करता है. ऐसा नहीं करेगा कि जितने अच्छे बच्चे उनको एक ग्रुप में रख दे, जितने खराब बच्चे उनको एक ग्रुप में रख दे, जितने लड़के हैं उनको एक ग्रुप में रख दे, जितनी लड़कियां हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख दे, जितने पता लगा और भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो भिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं. हेटरोजेनिटी हम जानते हैं, विभिन्नताएं कितने प्रकार की हो सकती हैं विद्यालय में, कक्षा में, उनसे हम लोग भलीभांति परिचित हैं. तो उन विभिन्नताओं के ऊपर हमें अपना जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको बेस करना पड़ता है, उनका उपयोग करना पड़ता है. उन विभिन्नताओं की मदद से ग्रुप्स को हमें विभिन्नता युक्त ग्रुप बनाना पड़ता है, मतलब उसमें हेटरोजेनिटी हमें सुनिश्चित करनी पड़ती है. तो ये बातें हुई छः जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये छः की छः करेक्टरिस्टिक्स हर कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में होनी अनिवार्य है, कंपलसरी है, इट्स ए बाइंडिंग. अब थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी कर लें कि जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है जिसके बारे में मैं इतना कुछ कह रहा हूँ, क्या निश्चित रूप से ये कोऑपरेटिव लर्निंग से कुछ बेहतर चीज़ है या नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 45-50 वर्षों में, 40-50 वर्षों में बहुत सारा शोध हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, हमारे हिंदुस्तान में भी मैं मान रहा हूँ कम से कम 400-500 शोध हो चुके हैं, PhD हो चुकी हैं इस पर. वो अलग बात है कि हमने क्लासरूम्स में आज भी इसको लागू नहीं किया है, लेकिन शोध हुए हैं, और हर शोध से हमको ये ज्ञात हुआ है कि ये कई कम से कम मैंने जब कहा 500 शोध हो चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कम से कम 500 वेरिएबल्स, 500 चरों पर हमने इस ये खोज की है कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है. और लगभग सारे, निश्चित रूप से सारे चरों पर कोऑपरेटिव लर्निंग कॉम्पिटिटिव सेटअप से बेहतर सिद्ध हुई है. मैं कुछ एक की चर्चा करूंगा, सबकी चर्चा करना संभव नहीं होगा, समय की भी सीमाएं हैं. जो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम जब भी शिक्षण अधिगम की बात करते हैं तो सबसे पहली हमारी जो चर्चा होती है, जो हमसे सबसे पहला हमारा कंसर्न होता है, वो होता है अचीवमेंट का, उपलब्धि का, बच्चे की उपलब्धि. तो ये निश्चित बात है, सभी शोधों से ज्ञात हुआ है कि जो बच्चे का अचीवमेंट है वो कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स जब हम यूज करते हैं तो कॉम्पिटिटिव की टेक्निक्स की तुलना में सिग्निफिकेंटली बेटर होता है, सार्थक रूप से अधिक होता है. और ये बात कई कई बार, कई कई जगहों पे, कई कई पर्सपेक्टिव में, कई कई कॉन्टेक्स्ट में सिद्ध की जा चुकी है. तो इस पर कोई क्वेश्चन मार्क आज की तारीख में है नहीं जो ये कह सके कि नहीं, ये अचीवमेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव सेटअप में कोऑपरेटिव से एट पार होता है या बेहतर होता है, ये संभव ही नहीं. ये बात शोध से पूर्ण रूप से सिद्ध है. अचीवमेंट के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिस पर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ध्यान देते हैं वो रिटेंशन,
कि बच्चा कितने जो जो सीख रहा है क्या वो उसको कैरी करता है लंबे समय तक, क्या उसको हमेशा के लिए वो दिमाग में रख पाता है, उसकी जो रिटेनिंग है वो कितनी है, रिटेंशन कितना है। तो वो भी शोधों के द्वारा सिद्ध हुआ है कि कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स की जब हम यूज करते हैं तब निश्चित रूप से रिटेंशन जो है वो कम्पिटेटिव सेटअप से या इंडिविजुअल सेटअप दोनों से, ये भी ध्यान रखिएगा हम कम्पिटेटिव सेटअप से ही कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी रिसर्च है जिसमें इंडिविजुअल लर्निंग से भी हमने कंपेयर किया है और वहाँ भी दोनों ही जो हमने तीन इंटरेक्शन की टेक्निक्स जो मैंने आपसे बताई थी, कम्पिटेटिव, कोऑपरेटिव और इंडिविजुअल, तो कम्पिटेटिव और इंडिविजुअल दोनों की तुलना में कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स बेहतर अचीवमेंट भी देती हैं, बेहतर रिटेंशन भी देती हैं। और ये बहुत सारे शोधों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। इसके अलावा बच्चे की सेल्फ स्टीम, निश्चित बात है कि जब हम जानते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड नथिंग फेल्स लाइक फेल्योर्स, जब आप सफल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका स्वयं पर भरोसा बढ़ता है, अपने बारे में आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं निश्चित रूप से, और जब आप फेल होते हैं तो इसका उल्टा होता है, आप दो बार किसी काम में फेल हो जाते हैं तीसरी बार आपकी हिम्मत उस काम को छोड़ने की नहीं होती, आपको सेल्फ डाउट शुरू हो जाते हैं कि क्या मैं इस काम को करने में सक्षम भी हूँ कि नहीं हूँ। तो ये जो फेलियर्स हैं उनसे और ये फेलियर्स हम जानते हैं, हमारी शोध से हमको ज्ञात है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा अगर बच्चों के लिए कोई है तो वो ये फेलियर्स हैं, और उसके लिए हम तमाम तरीके अपनाते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर हमारा जो मकसद है वो जो बच्चे का सीखना है, हम ऐसे ही जबरदस्ती पास नहीं कर सकते बच्चे को, हमें ये भी देखना होगा जो हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे वो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो अगर वो बच्चा सीख रहा है तो ये हमें सुनिश्चित करना होता है, और निश्चित बात है कि ये सुनिश्चित करने का काम अभी मैंने आपसे बताया कि इसमें चूंकि हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स के उपयोग के द्वारा हमारा जो अचीवमेंट है वो भी बढ़ता है, रिटेंशन भी बढ़ता है, सीखना बढ़ता है, और जब सीखना बढ़ता है तो सफलता की दर बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली जो सेल्फ स्टीम है बच्चे की वो भी बेहतर होने लगती है और उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सेल्फ स्टीम बढ़ेगी तो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, अभिप्रेरण बढ़ेगा, वो और सीखने के लिए प्रेरित होगा, और क्या टाइम ऑन टास्क बढ़ेगा, टाइम ऑन टास्क का मतलब वो और ज्यादा समय लगाएगा पढ़ने में। जब आप, मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूँ, जब आप गणित के प्रश्न हल कर रहे होते हैं जितने होते जाते हैं जब तक होते जाते हैं तब तक आप जूझते रहते हैं, लगे रहते हैं, करते रहते हैं, और जैसे ही एक दो सवाल आपसे करना बंद होते हैं तो फिर आप छोड़ के किताब उठ जाते हैं, ऐसा अनुभव हम सबके अनुभव में है। तो ये जो है ना छोटी छोटी असफलताएं और छोटी छोटी सफलताएं ये चीजें मैटर करती हैं, तो ये जो हमारा टाइम ऑन टास्क है उसको बढ़ा दी है जब सफलता मिलेगी। और एक और बड़ी चीज, इससे पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं, किसके लिए, विषय के लिए, क्योंकि हमने सीखा बेहतर, जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स विकसित होते हैं, जो अध्यापक है उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होगा, जो कक्षा है उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित होगा, जो स्कूल है उसके लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड, इन टोटल जो टोटल हमारी एजुकेशन का सिस्टम है उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। अभी आप देखें कितने सारे लोग हैं जो हमारा वर्तमान जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है उसके प्रति कितनी नकारात्मक राय रखते हैं, उस नकारात्मक राय को समाप्त करने का, अगर समाप्त न कर सके पूरी तरह से तो कम करने का एक बेहतर जरिया कोऑपरेटिव लर्निंग है, और ये बात भी शोधों से सिद्ध है, रिसर्चेज ने इनको प्रूव किया हुआ है। फिर एटीट्यूड्स के अलावा वैल्यूज भी, मूल्य भी, वो भी उस पर भी बहुत सारा शोध हुआ है कि मूल्य भी जो है वो बेहतर होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी कि अभी तक मैं चर्चा करना भूल ही गया, कोऑपरेटिव लर्निंग इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम पढ़ाई समाप्त करते हैं और अपने समाज और राष्ट्र का हिस्सा बनते हैं तो हमने सबने ये जाना है, सीखा है कि राष्ट्र और समाज में कंपटीशन से अगर 1% काम बनते हैं तो बाकी के 99% काम सहयोग से बनते हैं, कोऑपरेशन से बनते हैं। सोसाइटीज और कंट्रीज कोऑपरेशन के बेसिस पर फंक्शन करती हैं, कंपटीशन के बेसिस पर नहीं करती। कहीं कहीं थोड़ा बहुत इनहेरेंट कंपटीशन होता है, उसको पूरी तरीके से वाइप आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो जो महत्वपूर्ण है ज्यादा, वो है सहयोग। तो अब ये सहयोग जब महत्वपूर्ण है और बच्चा स्कूल में पूरे टाइम
स्कूल से लेकर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जब पूरे टाइम वो सीखता है कंपटीशन, तो निश्चित बात है उसके अंदर सहयोग की भावना कहाँ से आएगी? वो सहयोग करना सीखेगा कैसे? जो प्रो सोशल और एंटी सोशल होना है, जरा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एंटी सोशल या ए सोशल होना जो है वो हमारा जो आजकल हम देख रहे हैं समाज में और राष्ट्र में और पूरी दुनिया में, वो कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की वजह से भी तो नहीं है? कहीं उसका एक एक, एक साइड इफेक्ट ये भी तो नहीं है जो हम शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं कि जिसके वजह से लोगों में ए सोशल और एंटी सोशल होने की चीज़ें ज़्यादा विकसित हो रही? बहुत सारे शोध हैं जो ये बताते हैं कि जब आप सहकारी अधिगम की तकनीकों का विधियों का प्रयोग करते हैं, जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड की टेक्निक्स और कोऑपरेटिव लर्निंग के स्ट्रेटजीज और कोऑपरेटिव लर्निंग के मेथड्स यूज करते हैं, तो बच्चों में प्रो सोशल बिहेवियर, समाज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और समाज के प्रति सहयोग की भावना और समाज के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित होता है, ये स्थापित है। इसके अलावा एक और चीज़ जिसकी मुझे बहुत कमी दिखाई पड़ती है चारों ओर हमारे देश में भी, और आप भी थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे चारों तरफ तो आपको दिखेगा, वो है कि हम अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट्स जो होते हैं, यानी इसको मैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट्स की बात, किसी चीज़ के बारे में हमारी जो सोच है उससे भिन्न सोच अगर किसी और व्यक्ति की है तो हम कई बार उसको दुश्मन जैसा समझ लेते हैं, कई बार उससे हम मतलब बड़ा नकारात्मक तरीके से बिहेव करते हैं, कई बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें, खासतौर से आप सोशल मीडिया पे ये बड़े आराम से सब चीज़ें देख सकते हैं, जहां आपसे अलग हटके किसी ने कोई चीज़ कही तो आप जो है वो दाना पानी लेके चढ़ बैठते हैं। ये जो है ये क्या है? आप दूसरे के व्यू पॉइंट को कोई स्पेस ही नहीं देना चाहते, आप दूसरे की सोच को कोई स्पेस ही नहीं देना चाहते, और ये क्यों है? क्योंकि हम कंपीट कर रहे हैं, हम कंपीट करने के मोड में, हम आई एम द बेस्ट, वो हमको गवर्न करता है। पर हमको ये समझने की जरूरत है, और निश्चित रूप से जीवन में हमको ये एहसास किसी न किसी क्षण किसी न किसी समय होता ही होता है कि नो वन इज बेस्ट, एवरी वन इज बेस्ट, दोनों बातें हैं, कोई भी बेस्ट नहीं है और सभी बेस्ट हैं, कोई किसी चीज में कोई किसी चीज में, ये बात हमें समझने की जरूरत होगी। और ये बात भी स्थापित है कि जो हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है ये अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स और अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को विकसित करते हैं, क्योंकि जब निश्चित बात है जब आप छः लोगों के साथ मिल करके पांच लोगों के साथ मिल करके समूह में सीख रहे हैं तो आप पांच लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितने ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि दूसरे का व्यू पॉइंट क्या होता है, दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम में से कुछ लोग स्वतः सीख जाते हैं पर बहुत सारे लोगों को उसके लिए जो प्रशिक्षण चाहिए वो देने में हमारी कक्षाएँ और हमारे विद्यालय असफल सिद्ध हो रहे हैं। उसको बदलना है तो आपको कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ आना पड़ेगा। एक और चीज जिस पर बहुत चर्चा होती है वो है हायर थॉट प्रोसेसेस, हायर थॉट प्रोसेसेस, हायर थिंकिंग प्रोसेसेस, ये विकसित होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर अगर मुझे लगता है मैं चर्चा करूंगा तो हमारे समय जो है वो कम पड़ जाएगा, पर ये निश्चित बात है अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे चीज़ों को तो आपको दिख जाएगा कि कम से कम मैंने कहा आपसे 500 चर हैं जिन पर कोऑपरेटिव लर्निंग और कम्पिटिटिव और इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग का कंपेरिजन्स हुए हैं, और ये पाया गया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग हर तरह से सिग्निफिकेंटली बेटर है इन सब चीज़ों को डेवलप करने में बाकी दोनों की तुलना में। अब हम थोड़ी सी चर्चा, मैंने आपसे बताया कि कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स जो ऐसा नहीं कि कोई एक मेथड, देयर आर सो मैनी, बहुत सारे, तो उनकी हम थोड़ी सी टाइप्स पे बात करें, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप हर बहुत सारे तरीके से ये बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे तरीके से बनाए गए हैं, पिछले 40-50 वर्षों में इनके फायदों को देखते हुए लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बनाए हैं, उन पर थोड़ा सा दृष्टिपात करना, थोड़ा सा उन पर नज़र डालना बड़ा ज़रूरी है। कागन एक हुए हैं इस फील्ड में, उन्होंने 1992 में ये बात कही थी कि देर आर ओवर 50 फार्म्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, कम से कम 50 फार्म्स हैं और उससे ज़्यादा है कोऑपरेटिव लर्निंग, और ये 92 की बात है, तब से 28 बरस और बीत चुके हैं, तो आप कह सकते हैं आज की तारीख में कम से कम 70-80 फार्म्स तो हैं ही, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, छोटे छोटे भेद करने से टेक्निक्स बदल जाती हैं, और इतना कठिन नहीं है कि आप कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स खुद भी डेवलप कर सकते हैं, कई तरीकों से खुद भी उसमें आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और एक नया मेथड
एक नई स्ट्रेटजी आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो 50 से ज़्यादा हैं वो आप आज की तारीख में 70-80 से ज़्यादा हैं, और ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की पॉपुलेशन कैसी है, उसके हिसाब से आप मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। दो तीन चीज़ें हैं, स्टूडेंट की पॉपुलेशन कैसी है, बच्चे कौन से हैं जिन पर आपको लागू करना है, दूसरा होता है पाठ्य वस्तु कौन सी आपको है जो पढ़ानी है, तीसरा आपके लक्ष्य क्या हैं पढ़ाने के, चौथा आपके जो कैसा आप इन क्लास और आउट ऑफ क्लास कैसा आप विस्तार चाहते हैं, कितना आप विद्यालय में बच्चे को सीखना सिखाना चाहते हैं, कितना आप विद्यालय के बाहर सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के अंदर आप सिखाना सीखना चाहते हैं। ये बहुत सारे पहलू होते हैं जिनके आधार पर ये हमें तय करना होता है कि कौन सी विधि, कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रेटजी कोऑपरेटिव लर्निंग की हमको यूज करनी है। और ये भी बहुत सारे शोधों के द्वारा स्थापित है कि क्यों बहुत सारी विधियों से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खोजी हुई हैं, ढूंढी हुई हैं, पाई हुई हैं, जिनसे हमको पता लगता है कि ये क्या क्या है। थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कुछ की, सारे फॉर्म्स की नहीं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्म्स हैं जो ज़्यादा उपयोग में आई हैं उन फॉर्म्स की मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करें तो मिड 1960s में, 60 के दशक में, उसके लगभग मध्य में 65 सन 65 66 के आसपास कहीं, जॉनसन एंड जॉनसन ने जो मेथड दिया, बहुत पॉपुलर है, आज भी चलता है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग टुगेदर। तो लर्निंग टुगेदर मेथड कहिए, स्ट्रेटजी कहिए, वो जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन ने दिया 60s में। उसके बाद फिर एक आया डेब्रिज एंड एडवर्ड्स का, डेब्रिज एंड एडवर्ड्स का आया ये अर्ली 1970s में आया, 70 के दशक की शुरुआत में, जिसको हम टीम्स गेम्स टूर्नामेंट्स कहते हैं, और 60 में उसको हम TGT कहते हैं, बहुत पॉपुलर है ये भी टीम्स गेम्स टूर्नामेंट, बहुत सारा इस पर काम हो रखा है, और टीम्स गेम्स टूर्नामेंट्स जो है बहुत सारे विषयों में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। फिर उसके बाद शरण और शरण ने मिड 1970s में, 70 के दशक के मध्य में, उन्होंने एक दी तकनीक जिसको हम ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। अब ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन भी कुछ चीज हैं, सब में बेसिक इंग्रेडिएंट्स वही है जो 6 मैंने बात की थी जॉनसन एंड जॉनसन वाले, जो करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, पर ये थोड़े थोड़े भिन्न हैं सारे मेथड से एक दूसरे से। मैं अभी इनके एक इनमें से एक मेथड की आपसे थोड़ा विस्तार से भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा, अभी हमारे पास समय है। तो इसके अलावा फिर जॉनसन एंड जॉनसन ने एक और मेथड डेवलप किया, एक और मेथड उन्होंने हम लोगों को हैंड ओवर किया, जिसको हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव कंट्रोवर्सी के नाम से। कंस्ट्रक्टिव कंट्रोवर्सी खासतौर से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत बहुत उपयोगी मानी जाती है, और आप गूगल पे ढूंढ ही सकते हैं इन सब चीज़ों को। मैं इन पर अलग अलग हर एक पर अगर चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय चाहिए होगा, तो मैं इसलिए हर एक पर नहीं, मैं मेरा मूल मकसद जो है वो आपको कोऑपरेटिव लर्निंग की बेसिक्स बताने का है, तो मैं आपको वहीं तक बस, मैं केवल नाम का उल्लेख भर कर दे रहा हूँ, जिससे अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप उनको खोज सकते हैं। फिर एक और अगला मेथड जो बहुत पॉपुलर है वो एरनसन और उनके साथियों का दिया हुआ है, एरनसन एंड एसोसिएट्स का, जो कि लेट 1970s में आया, 70 के दशक के आखिर में, और जिसको हम कहते हैं जिग्सा। वो बहुत पॉपुलर मेथड है जिग्सा, जिग्सा प्रोसीजर कोऑपरेटिव लर्निंग की फील्ड में, आप उसको भी देख सकते हैं। जिग्सा में भी, जिग्सा जैसे नाम से, आप इनमें से अधिकांश को तो नाम से ही समझ सकते हैं कि क्या होगा, जिग्सा पजल निश्चित रूप से, अगर समूह के उपयोग से साल्व हो रही है वो मेथड। ऐसे ही स्लेविन की एंट्री होती है, और स्लेविन के बड़े महत्वपूर्ण काम है इस बारे इस क्षेत्र में। स्लेविन की एंट्री हुई लेट 1970s में, 80 के आसपास, और उनका जो सबसे पहला मेथड उन्होंने दिया, उनके उन्होंने और उनके साथियों ने, वो था स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिविजन्स, स्टैड। और मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स टीम्स अचीवमेंट डिविजन्स या स्टैड जो है वो संभवतः सर्वाधिक उपयोग में आने वाला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक लाभदायक मेथड्स में से एक है जो स्लेविन ने दिया है। तो इसके अलावा एक कोहेन ने मेथड दिया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी महत्व रखता है और जिसका काफ़ी उपयोग होता है, वो अर्ली 1980s में है, 80 के दशक के प्रारंभ में, वो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कोहेन का दिया हुआ है, और ये भी खास तौर से हमारे जो ग्रामर पढ़ाने के लिए, या कह लें कि गणित पढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल काफ़ी उपयोगी होता है।
फिर स्लेविन ने ही एक और विधि दी जिसको हम कहते हैं टीम असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, TAI। तो वो भी अर्ली 1980s में उन्होंने डेवलप किया, 80 के दशक के प्रारंभ में ही, और वो था टीम असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। और ये भी बहुत उपयोगी है। अब एक्चुअली ये क्यों अलग अलग करते हैं उसके पीछे मैंने आपसे बताया कि चूंकि अलग अलग विषयों में अलग अलग इनमें से टेक्निक्स जो हैं वो ज़्यादा लाभकारी हैं। तो अब वो आप जब मैंने कहा आपसे गूगल कर लीजिएगा तो आपको इनके बारे में और विस्तार से जानकारी हर एक के बारे में मिल सकती है, या आप पर्सनली मुझे मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और आप उस किसी चीज़ के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं। फिर एक कागन का बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है जो मिड 1980s में आया, और आने के बाद से ही उसको, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टफ माना जाता है ये मेथड कागन का दिया हुआ, लेकिन ये माना जाता है कि बहुत ही उपयोगी है। और ये मेथड है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर्स, उन्होंने इसको नाम दिया कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टफ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं, कोई भी काम जब आप प्रारंभ में करते हैं तो कठिन ही होता है, लेकिन जब आप उसको करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप उसके मास्टर हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कठिन मैंने इसलिए कह दिया कि वास्तव में थोड़ा सा है टिपिकल, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसे कर नहीं सकते हैं। आप अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाएंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर्स का जो मेथड, जो स्ट्रेटजी दी है कागन ने। इसके अलावा एक और मेथड जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जिस पर बहुत काम हो रखा है और हो रहा है, वो स्टीवन स्लेविन और एसोसिएट्स का दिया हुआ, स्टीवेंस स्लेविन और उनके और साथियों ने दिया, और जिसको हम, वो लेट 1980s में आया, 80 के दशक के अंत के वर्षों में, और उसको हम जानते हैं कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड कंपोजिशन के नाम से, या शॉर्ट में हम उसे किर्क कह देते हैं, CIRC, कोऑपरेटिव इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड कंपोजिशन। ये मेथड भी काफ़ी बेहतर माना जाता है, और आप इसके नाम से ही पता लगते हैं, रीडिंग एंड कंपोजिशन से रिलेटेड है, मीन्स लैंग्वेजेस के लिए ज़्यादा लाभकारी है, भाषाओं के लिए अधिक उपयोगी है, पर आप इसे मॉडिफाई करके अन्य विषयों में भी यूज कर सकते हैं, रुचि के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार। बच्चों, मैंने आपसे बताया कि बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, आपके जो शिक्षण अधिगम के लक्ष्य हैं उन पर निर्भर करता है, आपके वातावरण पर निर्भर करता है, आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है, आपके मतलब आप उसको विद्यालय में उपयोगी मानना चाहते हैं या समाज में उपयोगी मानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, और हर पहलू पर बहुत सारा शोध है। आप थोड़ा अध्ययन करें तो हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा इनमें से एक पर मैं चर्चा करूँगा, तो वो जो जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो मैंने आपसे कहा कि इस पर सबसे ज़्यादा काम हुआ, वो है स्लेविन का मेथड, स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिविजन्स। मैं इसलिए इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि इसकी चर्चा के दौरान आपको वो जो छह पहलू थे ना, जो छह कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो धीरे धीरे आपको सारी समझ में आएंगी, कैसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स, कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, कि वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ओवरराइडिंग ना हो, एक दूसरे के कंधों पर रह करके सीखना ना हो, वो सब चीज़ें होती रहें, उसके लिए कैसे सुनिश्चित करें, वो आप इसको जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, तो ये जो स्टैड है इसके मूल रूप से छह जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं, छह जो इसके अंग हैं जो हमको करने पड़ते हैं। जो सबसे पहला काम हम करते हैं स्टैड में, वो करते हैं टीम फॉर्मेशन, ग्रुप बनाना, और मैंने आपसे बताया कि स्मॉल ग्रुप्स कोऑपरेटिव लर्निंग का बेसिक है, बिना छोटा ग्रुप लिए हुए, स्मॉल, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्मॉल ग्रुप्स का मतलब 6-7, बहुत ज़्यादा वैसी विकट परिस्थितियाँ हो तो आप 7 करिए, वरना 4-6 बेहतर माना जाता है। आप 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, या 6 रख लीजिए एक समूह में, इससे ज़्यादा मत रखिए। लेकिन अब समस्या, मैंने आपसे ये भी कहा था हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होने चाहिए, तो अब ये जो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बने और स्मॉल ग्रुप्स बने, इसके लिए क्या तरीका अपनाएं कि ये हमारे ग्रुप्स जो हैं बने, टीम फॉर्मेशन कैसे हो। तो ज़्यादातर तरीकों में एक ही दो तरीके से हम ग्रुप्स बनाते हैं, रैंडमली हम नहीं पिक करते कि एक को उठाया, एक ग्रुप वन में रख दिया, बी को उठाया टू में रख दिया, सी को उठाया थ्री में, ऐसे नहीं करते। इसकी टेक्निक्स हैं और
बड़ी प्रॉपर टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम ये ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। तो जो टीम फॉर्मेशन है स्टेड में, उसमें हम चार पांच बच्चे जो हैं शामिल करते हैं, और ये मिक्स्ड टाइप के होते हैं। हेट्रोजेनिटी के लिए क्या करेंगे, परफॉर्मेंस लेवल डिफरेंट, मतलब जिस बच्चे के अचीवमेंट अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग हमने अलग अलग अचीवमेंट लेवल के बच्चों को रखना है, उसके लिए तरीके निर्धारित करेंगे। अभी और मैं उसको स्पष्ट करूंगा, जेंडर सारे लड़के ही नहीं रखने किसी ग्रुप में, सारी लड़के, अगर आपका सारे लड़कों का ही स्कूल है या सारी लड़कियों का स्कूल है, उस केस में आप जेंडर का कंसिडरेशन नहीं कर सकते, वहां मत करिए। लेकिन जहां आपके पास उपलब्धता है, वहां कोशिश आपको ये करनी कि जेंडर भी जो है वो वैराई करे, जेंडर जो है सेम जेंडर के ग्रुप्स ना हो। तो आप उनको एथनिसिटी एक बड़ा मुद्दा है, अब यहाँ हम एथनिसिटी को अपने परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आप उनको सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के मदद से कर सकते हैं, कास्ट कैटेगरीज से कर सकते हैं, अब बहुत सारे तरीके हैं आप भिन्नता को स्थापित करने के, भिन्नता को सुनिश्चित करने के, तो वो सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके ही ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। अब हम कैसे असाइन करते हैं बच्चों को, वो उसके लिए इसमें एक स्पेसिफिक हम टर्म यूज करते हैं, वो स्पेसिफिक टर्म है स्टूडेंट्स बेस स्कोर्स। बच्चों के बेस स्कोर्स हम सुनिश्चित करते हैं। अब ये जो बेस स्कोर होते हैं, ये बेस स्कोर हम कई तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे बेस स्कोर के लिए आप क्या कर सकते हैं, पिछली कक्षा में बच्चे द्वारा पाए हुए अंक, आप मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप गणित में ग्रुप्स बना रहे हैं, आप गणित पढ़ाने वाले हैं, गणित अध्यापक हैं, तो आप गणित के, आपके पास बच्चों के पिछली कक्षा के अंक आ जाएंगे, बड़े आसानी से आ जाएंगे। आप उन अंकों को लीजिए और उनसे आप रैंकिंग बना लीजिए और उन रैंकों के आधार पर असाइनमेंट कर लीजिए, मतलब असाइनमेंट में बच्चों को ग्रुप्स में बांट दीजिए। कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बताता हूँ, पर ये एक तरीका है बेस स्कोर बनाने का। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप उसको गणित का ना करके आप उसके ओवरऑल मार्क्स ले लीजिए, सारे विषयों के मिला करके पिछली कक्षा में कक्षा का जो उसका रैंक था उसके आधार पर कर लीजिए, आप उसको बेस स्कोर मान लीजिए, टोटल स्कोर जो उसका पिछली कक्षा में था। तो ये जो आपने बेस स्कोर लिया, या तो आपने कक्षा उसका विषय का ले लिया या आपने कक्षा का, इसके अलावा अगर आपकी इन दोनों में संतुष्टि नहीं है, आप दोनों से संतुष्ट नहीं है, दोनों को आप मतलब भरोसे लायक नहीं मानते हैं, तो आप तीसरा तरीका कर सकते हैं, कोई टेस्ट कर लीजिए, छोटा सा एक टेस्ट लेकर के उसके मार्क्स को आप बेस स्कोर मान लीजिए। चौथा काम आप ये कर सकते हैं, जो हमारे वो टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह, उसकी आप यूज कर सकते हैं, जो आपके बाकायदा स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होते हैं ना, तो आप उनमें से कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट लेकर के आप उसके मदद पे कर सकते हैं, या अगर आप लर्निंग में ही देखना चाहते हैं तो कोई स्टैंडर्डाइज्ड एकेडमिक अचीवमेंट का टेस्ट ले सकते हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। साधारण तौर पर सुविधाजनक होता है कि बच्चे के पिछली कक्षा के मार्क्स ले लीजिए, या कोई एक कक्षा में ही अपने विषय में उसका एक टेस्ट ले लीजिए, परीक्षा ले लीजिए, और उस परीक्षा में उनसे जो अंक हैं उनको बेस बना लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि ग्रुप्स जो है पत्थर की लकीर नहीं होते, ये ग्रुप्स एक सर्टेन स्टेज के बाद हम बदलते हैं, आमतौर पर या तो हफ्ते में या पखवाड़े में या महीने में हम बदल देते हैं। तो जब बदलेंगे तो निश्चित बात है कि शुरुआत में जो हमने ग्रुप फॉर्म किए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गए, वो उसके बाद वो परमानेंट हो ही गए, पर शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है और हवा में नहीं करनी होती, इसलिए आपको बेस स्कोर्स लेने पड़ते हैं। आप उन बेस स्कोर्स की मदद से बच्चों को असाइन करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जब आप बेस स्कोर्स ले लेते हैं, अब इसके बाद कैसे उनको डालें ग्रुप्स में, उसमें भी एक थोड़ा सा चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि आपके क्लास में कुल मिलाकर के 40 बच्चे हैं, अब 40 बच्चों में आप पांच पांच बच्चों के ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, तो अगर आप पांच पांच बच्चों के ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो कुल 8 ग्रुप्स बनेंगे। अभी जो 8 ग्रुप्स बनेंगे इसमें आप कैसे करें, तो इसका एक बड़ा स्पेसिफाइड तरीका, एक मतलब बाकायदा बनाया हुआ तरीका है कि आप क्या करिए, आपने बेस स्कोर तो ले लिए, अब बेस स्कोर में आप रैंकिंग कर लीजिए सारे 4,500 बच्चों की। अब आपके पास रैंक क्या हो गए, 1 से लेकर के 40 तक रैंक हो गए। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि पहला रैंक जिस बच्चे का, उसको अब जाहिर सी बात है 8 ग्रुप्स भी होंगे, पहले वाले बच्चे को पहले ग्रुप में डाल दिया, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, चौथे को चौथे में, ऐसे करते हुए 8वें वाले बच्चे को 8वें ग्रुप में डाल दिया।
यहां तक तो हम सब बड़े आसानी से कर लेते हैं। अब इसके बाद अक्सर क्या गलती होती है कि फिर क्या करते हैं, नौवें वाले को फिर पहले में डाल देते हैं ज्यादातर, ये गलती है, ऐसा नहीं करते। हम क्या करेंगे, अब जो नौवें रैंक का बच्चा है उसको हम फिर आठवें वाले ग्रुप में डालेंगे, फिर दसवें वाले को सातवें में डालेंगे, ग्यारहवें वाले को छठे में डालेंगे, ऐसे करते करते जब हम सोलहवें पहुंचेंगे तो वो पहले में आ जाएगा। अब जब सोलहवां पहले में आ गया तो फिर वैसे रिपीट करना है, सत्रहवें को पहले में, अठारहवें को दूसरे में, ऐसे करते हुए बढ़ जाइए। तो अब आप क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड एबिलिटी हो गई और एक बैलेंस बन गया। कैसे बन गया बैलेंस, कि जो फर्स्ट रैंक वाला है अगर उसी में आपने नौ वाले को रख दिया, उसी में आपने सत्रह वाले को रख दिया, तो ये पहला वाला ग्रुप अपने आप ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और जो जिसमें आठवां वाला बच्चा है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो अंतर ज्यादा हो जाएगा। तो उस अंतर को बैलेंस करने के लिए हम ये तरकीब अपनाते हैं कि जिसमें पहला है उसमें फिर नौवां नहीं आएगा, नौवें वाले को आठवें वाले में रखेंगे, अब पहले वाले में सोलहवां आएगा। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को असाइन करने का ग्रुप्स में। एक बार ग्रुप्स बन गए तो उसके बाद फिर टीचर का काम होता है कि जो आपने लर्निंग गोल्स तो तय करने हैं, लर्निंग गोल्स तय करने हैं, तो आपने कुछ तय किया होगा कि ये चीज पढ़ाएंगे, ये चीज सिखाएंगे। तो जो आपने पढ़ाने सिखाने का तैयारी की है उसका, उसको प्रेजेंट करने का काम होता है। अच्छा, एक चीज और है, जब हम ये कोऑपरेटिव लर्निंग के ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं, उससे पहले मैंने आपसे बताया, एक तो कोलैबोरेटिव स्किल्स में बच्चों को थोड़ी ट्रेनिंग दे देते हैं, थोड़ा सा उसको बच्चे को तैयार करते हैं, दूसरा बच्चों को समझा देते हैं कि ये हम जो ग्रुप्स में काम करेंगे इसमें आपका रोल क्या होगा, माने उनको कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में थोड़ा ओरिएंट करना जरूरी होता है, जिससे वो ये जान सकें कि ऐसा नहीं कि वो पता लगा सोचे कि हम ओवरराइडिंग कर लेंगे, किसी के कंधे पे हो जाएंगे, हमारे ग्रुप में जो दूसरा अच्छा बच्चा वो काम कर लेगा, हमें थोड़े करना हो। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा बच्चों को पहले से उसके बारे में सूचित कर देना, थोड़ा सा उनको जागरूक कर देना बेहतर होता है, तो वो कर लेना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन के, जो मैंने आपसे कहा जो हमें लर्निंग गोल्स जो हमने डिसाइड किया और उसके जो कंटेंट हमने तय किया, एकेडमिक कंटेंट जो हमें बच्चों को पढ़ाना है सिखाना है वो हमने, अब एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, जब मैंने पढ़ाना सब कहा तो मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ, यहाँ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को पढ़ने देना है और बच्चों के पढ़ने देने में मदद करनी। तो टीचर का रोल जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाला होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाला रोल इसमें, रोल जो है वो इसमें यूज होता है। यहाँ टीचर डायरेक्ट वो टीचिंग नहीं करता ऊपर लेवल पे बैठ करके और भाषण दे, वो नहीं होता, यहाँ सहायक और गाइड का रोल होता है टीचर का। तो टीचर का रोल कोऑपरेटिव लर्निंग में डिफरेंट होता है, ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जब वो एकेडमिक कंटेंट या जो भी आपकी विषय वस्तु है, पाठ्य वस्तु जो हमने तय की है पढ़ाने के लिए बच्चे को, और हमें समय के अनुरूप तय करना होता है, ज़्यादा बड़ा आइटम एक साथ नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार दिन या एक हफ्ते का हम मटेरियल तय करते हैं, इसे एक हफ्ते में ये होगा, तो वो हमने बच्चे को देना होता है। अब बच्चे को देना होता है और उस पर काम कराना होता है। अब उसके लिए मैंने कहा प्रेजेंटेशन करना, तो उसके तीन हिस्से हो जाते हैं। पहला ओपनिंग, ओपनिंग में बच्चों को बता दिया जाता है उन्हें क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, उनकी कोई तरीके से जैसे जैसे हम आमतौर पर करते हैं, कोई लेक्चर भी करते हैं तो हम शुरू में बच्चे में रुचि जागृत करने का काम करते हैं, जिसे हुक कहते हैं मीडिया की भाषा में, वो हुक क्या होगा ओपनिंग में, वो हम बच्चे को थोड़ा सा प्रेरित करते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं। जैसे हम जब लेसन प्लानिंग में सिखाते हैं ना कि पिछले अनुभव से जोड़ना, वो बिल्कुल वैसे ही कुछ करना ओपनिंग में, हम क्या कर रहे हैं बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं उसको सीखने के बारे में और उसको बता रहे हैं कि कैसे सीखना है। ओपनिंग के बाद फिर दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंटेशन का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में बच्चे जो है अपने समूह में सीखते हैं, अब वो सीखते हैं का मतलब जो उनको काम दिया, अब इसमें हम आमतौर पर क्या होता है, जो हम वो विषय वस्तु है उसको हमने, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि जिसको आप क्या करेंगे, उसको आप छोटे टास्क एनालिसिस की मदद से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उन टुकड़ों को बच्चों को देते हैं मास्टर करने के लिए, और फिर बाद में उनको बच्चों को ये सिखाते हैं कि उनको टुकड़ों को कैसे जोड़ करके एज ए होल वो तैयार करें। तो ये जो काम है ये डेवलपमेंट वाले काम में, पर डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ तीसरा जो पहलू है प्रेजेंटेशन, वो है गाइडेड प्रैक्टिस। अब ये गाइडेड प्रैक्टिस का मतलब वही टीचर को गाइड करते रहना, टीचर को लगातार ऑब्जर्व करना होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ता है, ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग हमने गोल मेज बनानी होती है क्लास में। जैसे सिंपल हमारा क्लास का स्ट्रक्चर होता है ना कि आठ आगे फिर उसके पीछे आठ, उसके पीछे आठ, ऐसे स्ट्रक्चर इसमें हम नहीं करते। इसमें हमको छोटे छोटे गोल मेज की जरूरत पड़ती है और उसके चारों तरफ पड़ी हुई कुर्सियों की जरूरत पड़ती है, उस तरीके से
हमको छोटे छोटे जो 4 या 5 या 6 जितने उतने उतने हिसाब से, और उनमें थोड़ी दूरी भी मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है कि जिससे कि एक दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो, तो ये भी हमें ध्यान रखना। अब ये गाइडेड प्रैक्टिस मतलब जो भी काम कर रहा है उस काम को टीचर को लगातार ऑब्जर्व करना पड़ता है, लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग टीचर के पार्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो कि करना होता है। तो 3 हिस्से हो गए प्रेजेंटेशन के, ओपनिंग, डेवलपमेंट और गाइडेड प्रैक्टिस। तीसरी चीज वही उसी को जरूरत हो गई, ग्रुप स्टडी। अब इसके बाद बच्चे ग्रुप स्टडी करें, जो उनको आपने काम सौंपा है वो उसको मास्टर करने की कोशिश करेंगे, जो भी लेसन आपने उनको दिए हैं वो उनको करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। अब एक और चीज होती है, हम इसमें क्या करते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं। जो मैंने आपसे कहा ना टास्क एनालिसिस करके कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो हम वर्कशीट बनाते हैं, उसमें हम लिख लेते हैं पहले नंबर पे ये करेगा बच्चा, फिर दूसरे पे ये करेगा, फिर तीसरे पे बच्चा, नहीं ग्रुप समूह, तो वो हम बांट लेते हैं और वो जो उनको हम कहते हैं वर्कशीट्स। ये हमें ध्यान रखना, जितने ग्रुप्स होते हैं उतनी वर्कशीट टीचर को तैयार करनी पड़ती है। थोड़ी टीचर के लिए इस टेक्निक के इस्तेमाल में मेहनत ज़्यादा होती है, ये यूनिवर्सली एग्रीड है, मतलब सभी लोग इस पर सहमत हैं पूरी दुनिया में कि टीचर को मेहनत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है इस मेथड का, इस कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल करने में। तो अब आप क्या करें, वो उतने जितने ग्रुप्स हैं उतनी वर्कशीट्स बनाएंगे, हर ग्रुप को एक वर्कशीट दे देंगे और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इस पर कैसे कैसे काम करना है, और फिर बच्चे उस पर काम करना स्टार्ट कर देते। तो टीम रूल्स बनाने होते हैं, सबसे पहला काम वर्कशीट्स, हर ग्रुप के लिए एक वर्कशीट और वो बांट देंगे, एक एक्स्ट्रा बनाएंगे जो टीचर अपने पास रखेगा। इसके अलावा वर्कशीट्स के वो आंसर शीट्स भी कुछ कुछ केसेज में आंसर जिससे वो देख सकें। तो इसके अलावा फिर क्या होता है कि आपके वर्कशीट हो गई, आंसर शीट हो गई, अच्छा फिर क्विजिंग, एक दूसरे से बच्चे प्रश्न पूछते हैं, तो ये बहुत कोशिश की जाती है कि बच्चे जो है प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछना अपने आप में एक आर्ट है, हम लोग जानते हैं, तो वो प्रश्न पूछना बच्चों को अगर हम सिखाते हैं, इसमें एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो क्वेश्चनिंग के माध्यम से उनकी लर्निंग डेवलप होती है। और फिर क्विजेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, जो एक तरीके से एवेल्युएशन का काम है, जो पहले ग्रुप में ही होता है, बच्चे खुद अपना क्विजेज लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, जो अपने सेल्फ लेवल पे असेस करते हैं कि वो जो लर्निंग गोल्स हमने उनके लिए तय किए वो उसके पाने की दिशा में कितना आगे बढ़ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंटली टीम रूल्स, टीम के रूल्स पहले ही टीचर बना देता है और लिख करके ब्लैक बोर्ड पर टांग देता है कि ये चीज़ें हैं जो डूज हैं और ये चीज़ें हैं जो डोंट्स हैं, ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। ये पहले ही टीम रूल्स बना करके और ब्लैक बोर्ड पर टांग दिए जाते हैं या चिपका दिए जाते हैं या लिख दिए जाते हैं, जो भी। फिर अगली चीज आती है जो 6 पार्ट्स की मैं बात कर रहा था इसमें स्टैंड में, तो 3 चर्चा हमने कर ली। चौथी आती है क्विज या टेस्ट। अब ये इसमें जो टेस्ट होता है उसको हम क्विज के नाम से जानते हैं, क्विज प्रश्नोत्तरी। ये टीचर एडवांस में तैयार रखता है, जिस समय वो वर्कशीट तैयार कर रहा होता है उसी समय वो क्विजेज भी तैयार करता है। और ये जो क्विज हैं वो जब बच्चों का लेसन का प्रेजेंटेशन हो गया, बच्चों की ग्रुप स्टडी हो गई, तो लास्ट में उनको पहले से बता दिया जाता है कि जैसे माने हमने सोमवार को उनको मटेरियल दिया, 6 दिन का टाइम दिया, 6 डेज स्कूल होता ही है, संडे छुट्टी, तो शनिवार को हमने कह दिया कि भाई आप पढ़िए, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सारा पढ़िए, सारे लोग मिल करके शनिवार को इसकी क्विज होगी जिसमें हम देखेंगे आपने कितना सीखा। पहले से उनको पता है कि उनका वो एग्जाम है, एग्जाम, और वो कंटिन्यूस चलता है इसमें प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एग्जाम जैसे हम वो टर्म एंड और वो ईयर एंड करते हैं, वो ऐसा इसमें नहीं चलता है। ये कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इसमें इनबिल्ट है, वो होना ही होना है। तो वो क्विज जो है वो हमने तय कर ली, और क्विज वाले दिन बच्चों को हम एडिक्वेट टाइम दे देंगे, सबको ग्रुप्स को अलग अलग देते हैं और हर ग्रुप का अलग अलग करते हैं। सब बच्चा इंडिविजुअली, अच्छा ग्रुप में भी हर बच्चे को सामूहिक नहीं देंगे, ग्रुप में भी बच्चे को सामूहिक एग्जाम नहीं देना होता। एग्जाम यानी क्विज जो है वो इंडिविजुअल ही होती है, वो इंडिविजुअल लेवल पे ही बच्चे को देखनी पड़ती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्विज हमने पहले से तैयार कर रखी है वो हम एक निर्धारित समय पर हर बच्चे का अलग अलग वो क्विज हम लेते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि हर बच्चे के लिए क्विज अलग अलग होती है, वो आपको देखना होता है कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे
कि वो जो क्विज है आपकी वो बच्चे चीटिंग ना कर सकें और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हर एक की निकल के आए, उसके लिए आपको ये क्विज करनी। अब इसमें जो क्विज में स्कोर मिलते हैं उनको हम इंडिविजुअल स्कोर्स कहते हैं बच्चों का, और ये बच्चों का जो इंडिविजुअल स्कोर है जब हमने अगर मान लीजिए हफ्ते के बाद ग्रुप चेंज करें तो वो ये वाला इंडिविजुअल स्कोर जो क्विज में आया है ये अगली बार टीम फॉर्मेशन में ग्रुप बनाने में हमारे काम आता है। अब पांचवी चीज हो गई वही जो आपने स्कोर आए। अब ये स्कोर अब देखिए दो आपके पास हो गए, पहले हुए बेस स्कोर्स जिनकी बेसिस पर आपने बच्चों को ग्रुप्स में डाला था, अब दूसरा आपको मिला ये क्विज का स्कोर। अब क्या करता है टीचर इसमें कि अब टीचर ये निकालता है कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट स्कोर क्या है, माने जो बेस स्कोर था उसकी तुलना में बच्चे ने क्विज में कितना बेटर किया अपने आप को, कितना बेहतर किया अपने आप को, कितना उसने इम्प्रूव किया। अब इसको कैसे तय करते हैं, इसकी एक बाकायदा एक सिस्टम है, वो सिस्टम में क्या होता है, परफेक्ट पेपर अगर है किसी बच्चे, परफेक्ट पेपर का मतलब परफेक्ट पेपर मतलब क्विज में उसके 100% मार्क्स आ रहे हैं। अब बेस स्कोर कुछ भी हो, अगर क्विज में 100 नंबर की क्विज है बच्चे ने पूरे 100 के 100 पाए तो हम उसको देते हैं 30 इंप्रूवमेंट स्कोर। ध्यान दीजिएगा परफेक्ट पेपर पर 30 इंप्रूवमेंट स्कोर, और यहां पे जब परफेक्ट पेपर है तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि बेस स्कोर उसका क्या था, लेकिन बाकी सारे जो तरीके हैं बाकी सारी जो स्कोरिंग है वहां पे हम बेस स्कोर से कंपेयर करते हैं। फिर अगली बार हम क्या देखते हैं, सेकेंड पॉइंट हो जाता है कि अगर उसका बेस स्कोर से 10 पॉइंट्स ऊपर है यानी 10% से ज्यादा है इंप्रूवमेंट, तो फिर तब भी हम उसको 30 इंप्रूवमेंट स्कोर देते हैं, और अगर उसका सॉरी 10% से अधिक उसका है तब 30 देंगे, और अगर उसका पूरे 10% ज्यादा है तब हम उसे देंगे 20 इंप्रूवमेंट स्कोर, और अगर 10% से कम है पर 1% से ज्यादा है तब हम उसको देंगे 10 इंप्रूवमेंट स्कोर, और अगर उसके नीचे है तब हम उसको देते हैं 5 इंप्रूवमेंट स्कोर। तो हम 30, 20, 10 और 5 ये इंप्रूवमेंट स्कोर बच्चे को देते हैं। अब ये इंडिविजुअल देते हैं, पर इंडिविजुअल देने के बाद हम क्या करते हैं कि ये इससे टीम स्कोर्स निकाल लेते हैं। टीम में 5 बच्चे हैं, हर बच्चे का इंप्रूवमेंट स्कोर होगा, वो 5ों इंप्रूवमेंट स्कोर हम जोड़ लेंगे, जोड़ करके उसका एवरेज निकाल लेंगे, वो टीम स्कोर हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं टीम स्कोर, और जब टीम स्कोर हम निकाल लेते हैं तो इस टीम स्कोर की मदद से हम ये तय करते हैं कि किस टीम का स्कोर सबसे ज्यादा है। अब जिसका ज्यादा इसके लिए फिर हम कुछ रिवार्ड पॉइंट रखते हैं। अब एक बात का यहां पे भी रिवार्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि हमने टांग दिया, पहले से तय करते हैं कि जो 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 समूह जो ग्रुप टॉप पे होगा उसको 5 स्टार मिलेंगे, जो सेकेंड पोजीशन में होगा उसको 4 स्टार मिलेंगे, जो थर्ड पोजीशन में होगा उसको 3 स्टार मिलेंगे, बाकी सारे समूहों को 2 स्टार मिलेंगे। एक चीज का हम ध्यान रखते हैं इसमें रिवार्ड्स हम कभी भी फाइनेंशियल या कोई वस्तु वो वैसा नहीं रखते, उससे फिर वो लालच को बढ़ावा देने वाला काम नहीं करते हैं, बस रिकॉग्निशन देने। ध्यान रखिएगा दोनों चीजों में अंतर है, रिकॉग्निशन देना और लालच देना। तो आपको लालच नहीं देना है, रिकॉग्निशन देनी है बच्चे को, तारीफ करनी। कई बार केवल ताली पीट देने भर से बच्चा बहुत खुश हो जाता है, तो आप उतना भी कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए 3 तालियां, इसके लिए 5 तालियां, इसके लिए 20 तालियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप डिवाइज कर सकते हैं तरीके कि कैसे आपको रिवार्ड्स देने हैं। अब इसके बाद जो आपने रिवार्ड दिए, ये छठा और सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि रिवार्ड्स कैसे दें। तो रिवार्ड्स देने के लिए जो आपका टीम एवरेज होता है उसको बनाते हैं, बेस टीम एवरेज के आधार पर ही हम रिवार्ड्स देते हैं। तो अगर किसी टीम का एवरेज 15 से 19 के बीच में है तो उसको हम कहते हैं गुड टीम, अगर उसका 20 से 24 के बीच में है तो हम उसको कहते हैं ग्रेट टीम, और अगर 25 से 30 के बीच में है तो सुपर टीम। ये हमारा सिस्टम होता है, और आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा 15 से कम कभी होता नहीं, 15 एवरेज जो टीम एवरेज जो होता है वो 15 से कम कभी नहीं होता, क्योंकि हमने ध्यान दीजिएगा कि 5 तो हर सूरत में देने ही देने हर बच्चे को,
तो वो और चूंकि सब तरीके के बच्चे होते हैं हर ग्रुप में, तो वो एवरेज आपका कभी भी 15 से कम आता नहीं है आमतौर पर। और अगर आ जाए तो घबराइए, इसको भी देख सकते हैं। सॉरी, इसका तो ये आपका इसका रिवार्ड्स का सिस्टम हो गया। अब इसमें एक दो चीज़ें ध्यान रखने की हैं कि अवार्ड्स के लिए थोड़ा सा कंपटीशन जरूर होता है इसमें, एक इनबिल्ट थोड़ा सा हमने कंपटीशन रखा हुआ है कॉपरेटिव लर्निंग की टेक्निक्स में, लेकिन ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होता है और ये इसलिए नेगेटिव नहीं रहता कि मैंने आपसे कहा कि टीम फॉर्मेशन कंटिन्यूअस बदलता रहता है। आज जो बच्चा ग्रुप ए में है, कल वो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस में बी में जा सकता है, परसों सी में जा सकता है, उससे अगली बार डी में जा सकता है। माने हर बच्चा कभी न कभी, जब पूरे साल आप ये प्रक्रिया चालू रखते हैं, तो कभी न कभी वो हर ग्रुप का मेंबर हो जाता है। तो जब हर ग्रुप का मेंबर हो जाता है तो किसी ग्रुप से दुश्मनी नहीं होती उसकी। जिस समय कंपीट कर रहा है, जिस ग्रुप में है वहां कंपीट कर रहा है, पर जैसे ही वो समाप्त हुआ कंपटीशन, उसके बाद फिर दोस्ती हो जाती है, क्योंकि हर ग्रुप में हर बच्चे के साथ काम करने का बच्चे के पास अनुभव आ जाता है। तो पहली साल में ही सारे बच्चे उसके दोस्त हो जाते हैं, उसके बाद वो जितनी भी क्लासेज ऊपर जाएंगी, अगर बच्चा स्कूल छोड़े ना, उसी क्लास में रहे, तो फिर तो वो दोस्ती जो है वो ताउम्र वाली बनती है। और सारे बच्चों, ये फिर भी रहता है कि सबसे तगड़ी दोस्ती हो, एक जैसी तगड़ी दोस्ती हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारा कोऑपरेशन डेवलप हो जाता है एक दूसरे के बीच में। और ये जो मैंने आपसे बताया कि ग्रेट टीम और सुपर टीम होती है, तो वो उनको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे आपको प्रोत्साहित करना है। उसके लिए रिवार्ड सिस्टम में मैंने आपसे बता ही दिया कि उनको आप कोई लालच ना देकर रिकग्निशन के लिए कोई सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कापी, होमवर्क की कापी में टीचर स्टार बना देते हैं, तो वह उस तरीके का, या आप टोकन कुछ बना सकते हैं, टोकन बना करके, और वो टोकन सब इकट्ठा करते रहें सारे बच्चे। जैसे मान लीजिए इस जो बच्चा सबसे ऊपर वाले ग्रुप में था, तो हमने ये कहा कि भाई इसको पांच पांच, हर बच्चे इसमें पांच पांच टोकन मिलेंगे, दूसरे वाले में चार चार मिलेंगे, तीसरे वाले रैंक पे जो है उसको तीन तीन मिलेंगे, चौथे रैंक पे जो है उसको दो दो मिलेंगे, और उसके बाद के जो ग्रुप से उनको एक एक मिलेगा। अब हर बच्चे के पास एक एक टोकन हो गया, कम से कम एक एक हर एक के पास है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई जब सेमेस्टर एंड में या ईयर एंड में जब हम सारे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जिस पे सबसे ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी बच्चे होंगे, जैसे हम रैंकिंग अभी करते हैं टॉपर और वो सब, वो इसमें भी कर सकते हैं, उनको हम ऐसे इनाम देंगे, ये मतलब चीज़ देंगे, ये मेडल देंगे, या कुछ भी एक तरीका अपना सकते हैं। पर हमें ध्यान ये रखना है कि कोई खाने की वस्तु नहीं देनी है, कोई लालच नहीं देना, पैसे नहीं देने हैं, कोई कपड़े नहीं देने, मतलब इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है जिससे बच्चे में लालच जागे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज देनी है जिसके प्रति बच्चा मोटिवेटेड रहे उसे पाने के लिए, ऐसा ना हो कि उसको पाने के लिए मोटिवेट ही ना हो। और रिकॉग्निशन अपने आप में बड़ी चीज होती है। आप कह दो कि जो सब टॉपर बनने के लिए बच्चे क्यों लालायित होते हैं, क्लास में बच्चा जो टॉप करता है उसको कुछ और थोड़े मिलता है, मेडल ही तो मिलता है अधिकतम, वो भी मेडल देने की व्यवस्था हर स्कूल में नहीं होती, पर बच्चे करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब मेरा ख्याल है कि आपको पूरा ये सिस्टम जो मैंने आपको समझाया, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि इसमें फ्री राइडर्स संभव नहीं है, सबको इक्वली वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ग्रुप के हर मेंबर को। मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, ये मैं फिर आपको बता रहा था, मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप्स जो है वो रीफॉर्म करने पड़ते हैं, मतलब अब बार बार उनको चेंज करना पड़ता है। अब ये बार बार चेंज करना हर एक उसके बाद नहीं करेंगे आप, जैसे